डॉक्टर गुलशन जी, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर हैं और आज रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन खत्म क्यों कर रहे हैं, क्या कारण इनकी, क्या इच्छा है इनकी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अंबेडकराई डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज एम्प्लॉय स्टूडेंट डिप्राइव पीपल सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, सरकार की नीति और जो नियत है उसमें फ़र्क है भाई। अब तक जो आरक्षण था उसका हमारे लोगों को बहुत कम बेनिफिट मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण का फ़ायदा लेकर, चाहे वो शिक्षा में हो, शिक्षा में जो आरक्षण था उसका सहारा लेकर अब हमारे लोग धीरे धीरे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे और अब उनको नौकरियों में आना था। लेकिन अब सरकार को ये पता लग गया है कि भाई अब ये लोग पढ़ लिख कर आगे आ गए हैं और अब ये नौकरियों में आएंगे। तो एक इस तरह की विचारधारा फैलाई जा रही है कि भाई आरक्षण अब बहुत हो चुका है, बहुत लोग लग चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हरियाणा से ले, क्योंकि मैं हरियाणा से संबंधित रखता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी पड़ी हैं कि जिसमें दुनिया भर का बैकलॉग खाली पड़ा है। मैं डॉक्टर होने के नाते बताना चाहूँगा कि अभी भी हरियाणा में जो डॉक्टरों की सीटें शेड्यूल कास्ट के डॉक्टरों के रिजर्व हैं वो खाली पड़ी हैं। और हालात यहाँ तक ख़राब हैं कि पीछे कुछ समय पहले हरियाणा में जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज जो डॉक्टर्स लगने थे उसमें 250 के करीब सीटें शेड्यूल कास्ट की कैंडिडेट उपलब्ध ना होने के कारण जनरल में कन्वर्ट करनी पड़ी थी। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें भी हमारी सीटें काफ़ी संख्या में खाली पड़ी हैं। उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि इनका जो इतिहास में जो इनके महापुरुष जिनको तथाकथित महापुरुष कहते हैं, उन्होंने अपनी जो किताबें हैं जिनको आज पूछते भी हैं, उन किताबों में ऐसा लिखा गया है और उन्हीं किताबों को इनके वंशज अब आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि आज जो देखने में आया है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और जहाँ तक शूद्र समाज है, और किसी भी समाज की हम बात करें उसमें शूद्र समाज ने बड़ी मेहनत करके आज यानी ऊपर उठ कर आए हैं। चाहे मैं अपने से ही लूँ कि भाई हमारे घर में जब तक हम डॉक्टर नहीं बने थे तो हमारे घर में गोबर से लीपा जाता था। लेकिन आज हमारे घर में बाबा साहेब के अम्बेडकर के आरक्षण के कारण आज हमारे घर में गाड़ियाँ भी हैं, अच्छे मकान भी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तीनों भाई हैं, तीनों नौकरियों में हैं, तीनों जो नौकरियों में हैं हमारी मिसिज भी नौकरियों में है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं होता।